अरे आप सब तो जय श्री राम करते हो, लेकिन कांग्रेस वाले तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। कांग्रेस के लोग तो कहते राम काल्पनिक है, भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कहते हैं सनातन धर्म को जड़ से मिटाना है। वो हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, क्या आप सनातन धर्म का अपमान करने वालों को, हिंदुओं का अपमान करने वालों को, सनातन को खत्म करने वालों को, ऐसे कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ जाओगे कभी? क्या जाओगे इनके साथ कभी? ये भी छोटा पड़ गया, कुर्सियां भी कम पड़ गई, दुकानों के अंदर तक जनता ने एक तरफा होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। बोले भारत माता की, भारत माता की। ये जो देश के कोने कोने से मीडिया के लोग आए, ये मेरे पीछे भी देखिए पूरी सड़क भरी पड़ी है, यहाँ भी सारा भरा पड़ा है, मंच पे इसके पीछे भी खड़े हैं। जरा एक बार वीडियो बन जाएगा तो देश में संदेश चला जाएगा, मध्य प्रदेश ने ठाना है फिर भाजपा को जिताना है। बोले भारत माता की। देखिए जो जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है वो दोनों हाथ मुठियां बंद करके, भुजाएं ऊपर करके जो जिताना चाहता है, जिसके पास कुर्सी है, जिसके पास नहीं भी है, जो दुकान के अंदर है, बाहर है, मेरे पीछे भी खड़े हैं, जिसको ईश्वर ने दो हाथ दिया दोनों हाथ, जिसको एक हाथ दिया वो एक ही हाथ उठाएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिवराज जी को जय श्री राम, शिवराज जी को जय श्री राम, प्रदेश अध्यक्ष जी को जय श्री राम, विष्णु भाई को जय श्री राम, प्रहलाद भाई को जय श्री राम, आप सबको जय श्री राम। अरे आप सब तो जय श्री राम करते हो, लेकिन कांग्रेस वाले तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। कांग्रेस के लोग तो कहते राम काल्पनिक है, भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कहते हैं सनातन धर्म को जड़ से मिटाना है। वो हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो कभी राम नामी के जुलूस पर बम फेंकते हैं, कभी गोली चलाते हैं, कभी रामायण का अपमान करते हैं, कभी मां सीता का अपमान करते हैं। क्या आप सनातन धर्म का अपमान करने वालों को, हिंदुओं का अपमान करने वालों को, सनातन को खत्म करने वालों को, ऐसे कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ जाओगे कभी? क्या जाओगे इनके साथ कभी? अरे मेरा सवाल इसलिए खड़ा होता है, ये आएंगे चुनाव में आपके पास, कोई अपने आप को शिव भक्त बताएगा, कोई देवी भक्त बनाएगा, कोई हनुमान भक्त बताएगा, कोई कृष्ण भक्त बनाएगा, लेकिन सही मायने में सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है कांग्रेस, उसके सहयोगी दल। 10 दिन हो गए लगातार, 10 दिनों में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम, और सबसे बड़ी बात बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कहता है कि सबको एक समान अधिकार होंगे, कोई किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करेगा, कोई दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेगा, आप अपने धर्म का अपना सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो भाई और बहनों, लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की अपमानित भी किया था, पार्टी से बाहर भी निकाला, उनको हराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था, आज उनके दिए संविधान का अपमान भी कर रहे हैं, संविधान को तार तार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी बिल्कुल चुप बैठे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये आज इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं?
सवाल का उत्तर साफ है, चुनावों में जीत चाहिए। चाहे हिंदुओं को खत्म करने की बात करें, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें, कांग्रेस के लिए चुनाव जरूरी है। हमारे लिए चुनाव नहीं, हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लिए सनातन धर्म सबसे ऊपर है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन धर्म रहेगा। इनको चुभता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बन गया, दिव्य और भव्य महाकाल लोक बन गया और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो रहा है। मित्रों, में मध्य प्रदेश कई सालों से आ रहा हूं। मैंने पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी ये नहीं सुना कि यहां पर बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता हो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हो। लेकिन साथ लगते राजस्थान में जाइए, वहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हर रोज 17 से 18 महिला और बेटियों के साथ बलात्कार दुष्कर्म की घटनाएं और महिला अपराध की घटनाएं होती हैं। 2 लाख घटनाएं और आपराधिक मामले दर्ज हुए केवल महिलाओं के अपराध के पिछले 5 साल में। 34,000 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हुई। लेकिन मेरा मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना योजना चलाते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चलाते हैं। मेरी बहनों के खाते में 1250 रुपया हर महीने डालने का काम उनका भाई शिवराज सिंह चौहान करता है। भाई और बहनों, क्या महिलाओं के प्रति अपराध जो राजस्थान में हुआ कभी आपने देखा? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कभी वहां पर गए? देखा आपने कभी क्या? अरे वहां पर 2 लाख बहनों के साथ अपराध हो गया, ये 2 बार भी नहीं गए। इनकी सरकार यहां पर थी, इन्होंने यहां पर भी किसानों के कर्जे, राहुल गांधी जी आपको वायदा करके गए थे 2018 में किसानों के कर्जे माफ करेंगे और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं खुली सभा में पूछता हूं, क्या कांग्रेस ने किसानों के कर्जे माफ किए? क्या किए? क्या? अरे राहुल गांधी आए तो उनसे पूछो, क्या मुंह वोट मांगने आओगे? क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया कांग्रेस ने? अरे मेरे भाई और बहनों, शिवराज जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री स्काई योजना, इस सीखो कमाओ योजना भी आई, रोजगार के अवसर भी बढ़े। मेरे किसान भाइयों को दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गए, लेकिन 5 साल में मोदी सरकार ने 1 रुपया भी खाद का दाम नहीं बढ़ने दिया। ये किसानों के ऊपर मददगार के रूप में कोई आई तो मोदी सरकार। पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया खाते में आता है कि नहीं आता है? किसान कौन कौन है हाथ खड़ा करें जरा। अरे मेरे छोटे और मझले किसान भाइयों, 6,000 रुपया मोदी सरकार देती तो हाथ खड़ा करके बताओ। शिवराज जी की सरकार 4,000 रुपया देती है साल की, अब तो 6,000 कर दिया है, तो 6,000 मोदी जी केंद्र से, भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी 6,000 रुपया वो भी देते हैं। 12,000 रुपये किसानों के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर साल देती मेरे भाई और बहनों। और मेरी बहनों के लिए शौचालय भी बना कर दिए, पक्के मकान भी बना कर दिए और अब रसोई गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने 200 रुपये घटा दिए तो शिवराज जी ने 450 रुपये कम कर दिए। 650 रुपया कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, मुझे भी 3 सभाओं में और जाना है, लेकिन मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी और हमारे सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ शास्त्री शर्मा जी, आप यहां पर आप सबको संबोधित करेंगे।
मैं एक वायदा लेकर आपसे जाना चाहता हूं। कल कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिलेगा। क्या मैं जाकर ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश ने मन पक्का कर लिया है कमल खिलाने का? क्या मैं विश्वास लेकर जा सकता हूं? क्या आपका आशीर्वाद लेकर जा सकता हूं? क्या मोदी जी को विश्वास दिला दूं कि आप कमल का फूल खिलाने वाले हो? जिला अध्यक्ष सोनी जी, क्या मैं यहां से विश्वास लेकर जा सकता हूं? अगर सबने मन बना लिया है तो एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएं, बोले भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मोदी जी की सरकार है, किसान का भी सम्मान करती, महिलाओं का भी करती है, और हमारे युवा अब खेलों में भी दुनिया भर में भारत के तिरंगे की आन बान शान को और बढ़ाते हैं। भारत के युवाओं ने भारत की आन बान शान को बढ़ाया है, तो दूसरी ओर भारत के वैज्ञानिकों ने मंगलयान से लेकर चंद्रयान को सफल बनाकर चंद्रमा पर भी सैटेलाइट को, चंद्रयान मिशन को सफल करने का काम किसी ने किया है तो हमारे भारत ने किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे भाई और बहनों, अभी G20 की बैठक हुई, उस G20 की बैठक में जो दुनिया के किसी देश में अभी पिछले हाल में नहीं हुआ, वो भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। दिल्ली रेजोल्यूशन और G20 की बैठक आज तक की सबसे सफल बैठक हुई, इससे भारत का नाम अब पूरी दुनिया में और ऊंचा हुआ है। सभी मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई। इतना ही निवेदन करता हूं, ये कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई, बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। आपसे निवेदन करता हूं, बेटियों महिलाओं को सुरक्षित भी रखना है और फिर एक बार कमल का फूल खिलाना है तो आपका विश्वास और आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई इस शानदार जन आशीर्वाद यात्रा के लिए। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।